अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है निकल कर, चोरी चकारी और धोखाधड़ी, बैंक बिल्कुल खाली हो गया एक बंदे का, उसके हवाले से बात करेंगे, वीज़ा के हवाले से बात करेंगे, फैमिली वीज़ा न्यू रूल्स जो बनाए गए थे उसके हवाले से बात करेंगे, और लोगों के वीज़ा ट्रांसफ़र हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो जाएगा वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बंदे का अकाउंट बिल्कुल पूरे तरीके से खाली कर दिया गया। लगभग 1000 KD से ज़्यादा जो था उसके अकाउंट में बैलेंस था वो पूरा निकाल लिया गया। रीज़न क्या हुआ, पूरे तरीके से उसके पास एक कॉल आता है और कॉल आने के बाद में जो है उसको बताया जाता है कि आपका अकाउंट बिल्कुल फ्रीज होने वाला है, बंद होने वाला है, आपने इसको जल्द से अपडेट करना है। तो वो बंदा सीधा साधा था, बोल देता है ठीक है अपडेट कर देता हूँ। तो उसने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए, उसको सिविल आई डी नंबर बताया, सारा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर बताया, ये सारी चीज़ें बता के ओ टी पी जब आता है तो वो भी बता देता है। तो कॉल जो लोग करते हैं ओ टी पी जैसे बताते हैं तो पैसा उसका कटना शुरू हो जाता है, 2 KD, 400 KD, 300 KD, इस तरीके से पूरा पूरा करके टोटल कटा उसका 1000 KD से ज़्यादा। और जब उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में उसके पास मैसेज आना शुरू हुए तो वो तुरंत बैंक भागा, उसको समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। और ये बांग्लादेश का बंदा था और अपनी फैमिली में बहुत जल्दी वापसी करने वाला था अपने देश, क्योंकि इसको लगभग 24 साल रहते हुए हो चुके थे, तो इसके साथ इस तरीके से फ्रॉड हो गया। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो भी आपको हमेशा अलर्ट करती हैं, बोलती हैं कि अगर आपके पास में कोई लिंक आता है या फिर कोई कॉल वगैरह आता है या किसी भी तरीके से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है तो बिल्कुल आपने ऑनलाइन पे डालनी नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉडबाजी का जो है एक झांसा होता है और इस तरीके से आपको धोखाधड़ी वहाँ पे हो जाती है। तो अब देखिए आगे कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होती है, लेकिन आप दुआ करें इस बंदे के पैसे मिल जाएँ, क्योंकि आपको मालूम है कितने समय से ये इकट्ठा कर रहा होगा 1000 KD और अब जो है उसके साथ धोखा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिविल आई डी कार्ड के हवाले से, यानी कि आपका जो वीज़ा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है वीज़ा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमसे हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है। वहां पे जो है मिनिस्ट्री के अंदर दोनों बंदों को, यानी कि दोनों कफील होने चाहिए, यानी कि जिसके पास से वीजा ट्रांसफर ले रहा है वो भी होना चाहिए और जिसके पास ले रहा है वो भी होना चाहिए, मतलब जिसके पास से कर रहा है वो भी, दूसरा भी। और वहां पे एक बंदे का काम खत्म हो जाता है सिग्नेचर करते ही, यानी कि फाइल तैयार हुई, सिग्नेचर हुआ, वहां पर पूछा, उसका काम खत्म, जिसके पास था काम शुरू हो जाता है, नए बंदे के पास में जा रहा है, जिस कंपनी में जा रहा है वहां पर सारी जरूरतें उसकी पूरी करनी होंगी। अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सिविल आई डी कार्ड के दो दो जो है फोटो लगेंगे, आप और आपके मालिक के, यानी कि जहां से आप जो है ट्रांसफर ले रहे हैं उसके भी लगेंगे। इस तरीके से पूरी फाइल तैयार होकर जो है आपके बन के लग जाएगी और उसके बाद में काम शुरू हो जाएगा। तो ये काम हो रहा है, आप टेंशन मत लें बिल्कुल भी, बहुत सारे लोगों की जो है ट्रांसफर जो है प्रोसेस होना शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही ये कानून ख़त्म हुआ, जो डिग्री वाला था, जो लोग फैमिली को अपने बुलाए उन जिनके पास में डिग्री है, वो जैसे ही कानून ख़त्म हुआ खाली सैलरी वाला रहा, तो एक ही दिन के अंदर लगभग 320 जो है फैमिली वीज़ा इशू किए गए। तो ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, ताकि आपको इसी तरीके से जो है अपनी फैमिलियों को बुला सकें, किसी भी तरीके से जो भी है अपने साथ में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।